हे गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज डेट क्या है बताएं आपको? आज 9 डेट है एंड गुड़ी पाड़वा। तो आज है गुड़ी पाड़वा। एंड आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी गुड़ी पाड़वा और हिंदू नए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली को और आपको भी, सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो 1 जनवरी को मुझे मैसेज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो उस दिन मैं किसी का भी मैसेज सीन नहीं करूँगा। तो भाई प्लीज़ कृपया उस दिन मुझे मैसेज मत कीजिए, क्योंकि हमारा हिंदू ही नव वर्ष कब स्टार्ट होता है बताएं? आज गुड़ी पाड़वा से हमारा नए साल की शुरुआत होती है। हमारे महाराष्ट्र में नए साल की शुरुआत गुड़ी पाड़वा के दिन से स्टार्ट होती है। जो भी 1 जनवरी को मुझे मैसेज करता है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे प्लीज़ 1 जनवरी को मैसेज मत कीजिए, भले गुड़ी पाड़वा के दिन कीजिए मैसेज, तो मैं सीन करूँगा। एंड आज से नए साल की शुरुआत होती है। वैसे तो मैंने ब्लॉग में बता ही दिया था 1 जनवरी की, उस दिन मैंने ब्लॉग निकाला था, तो उस दिन मैंने आपको बता दिया था। बाकी यहाँ पे साई भी उठ चुका है, आगे कुछ प्लान नहीं हमारा कि क्या करें क्या नहीं ब्लॉग में, तो देखते हैं। आज गुड़ी पाड़वा है तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेते हैं। और गाइस, आज आप मौसम देखोगे ना, पूरा साफ मौसम है और कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही थी, लेकिन आज अभी क्या आप देख सकते हो कितने बज रहे हैं, 10 बजने में आ चुके हैं, मतलब 10 तो बज गए, तभी भी आज इतना कुछ, मतलब इतनी धूप नहीं पड़ी है, वरना इतनी धूप पड़ती भाई बाहर निकलने का हमारा दिल ही नहीं कर रहा है। बाकी आप आज देख सकते हो ज़्यादा धूप ही नहीं है। ये देखो, और ये देखिए, हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसे लगाया जाता है, इसको हमारे मराठी में गुड़ी बोलते हैं। तो ये गुड़ी लगाई गई है, हर घरों में आपको दिखने के लिए मिलेगा, बस हमारे घर में नहीं दिखने के लिए मिलेगा, बस हमारे घर में ही लगाया जाता हो, क्योंकि आज के दिन हमारे मामा जी का निधन हुआ था, इसलिए हम गुड़ी पाड़वा मनाते नहीं है, इसलिए हम वो जो गुड़ी है वो लगाते नहीं है। और गैस, गुड़ी पाड़वा के दिन हमारे घर में पूरन पोली की जाती है, मतलब हमारे गांव में पूरन पोली की जाती है। आपको दिखाते हैं, देखो वहाँ पे पूरन पोली की जा रही है, ऐसे कुछ करते है, देखो अब हो वहाँ पे डालेंगे उसको, ये देखो वहाँ पे। और है जो पूरन पोली होती है बहुत ही स्वीट होती है, बहुत गोड़ होती है, तो इसे हम खाते हैं। जब गाँव में फेस्टिवल होता है तो ये पूरन पोली की जाती है, ये पूरन पोली की जाती है, तभी उनको खाया जाता है जब फेस्टिवल होता है। कुछ अच्छे डेज होते हैं जैसे कि अभी गुड़ी पाड़वा हो गया, या फिर यात्रा होती है तभी की जाता है। तो गाइस, अभी के शाम के 4 बज गए और अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। बाकी हमारे प्लेयर है यहाँ पे, ये देखिए सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। बाकी और प्लेयर आने वाले हमारे, तो वेट करते हैं। और आज देखो भाई, राहुल मामा हटो भाई, एक हाँ है, देखो बाकी धूप बहुत ही ज्यादा है, ये देखो। और गाइस, आज हम नए साल की शुरुआत क्रिकेट से कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, शाम के 4 बज रहे मस्त, और हल्की सी धूप है, और हल्की सी धूप में हम क्रिकेट खेलेंगे। बाकी के प्लेयर हमारे आने वाले बाकी है, तो उनका भी थोड़ा वेट करते हैं। पहले हम दोनों जा रहे हैं, राहुल मामा और मैं, हम वेट करेंगे वहाँ पे, छाव में अच्छे से बैठेंगे, तो बाकी प्लेयरों को आने देते हैं, तब तक हम चलते हैं ऊपर। फाइनली ग्राउंड में पहुँच चुके हैं और ग्राउंड का ऐसा कुछ हाल है, ये देखो, पहले हमारी विकेट वहाँ पे होती थी, लेकिन कुछ रीज़न के वजह से, चलो रीज़न ही बता देता हूँ। यहाँ से पानी निकलता है, ये जो पोल दिख रहा है वहाँ से, तो पूरी पिच का यहाँ पे पूरा, मतलब पूरी पिच यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ से विकेट उठा के हमने यहाँ पे डाली है, और ये रही हमारी विकेट, ये रही हमारी पिच, यहाँ से हम खेलेंगे अभी। बाकी विराट कोहली यहाँ पे आ चुके हैं, फेंक की बॉलिंग, ये देखो भाई आने से पहले, ओ ये नो बॉल, और ये देखो। और गाइस, आज से कुछ दिन पहले, आई थिंक 5 तारीख को फ्राइडे था, हाँ दिन हम गए थे आजम को मैच खेलने के लिए, टूर्नामेंट थी स्कूल के तरफ से, आपके भाई ने भी वहाँ फॉर्म भरा हुआ था, 8 ओवर की मैच थी, और हमने 8 ओवर में कुछ 150+ रन दिए थे, हाँ भाई 150+, क्योंकि हमारी बॉलिंग कुछ इतनी खास नहीं थी, तो हमारे 150+ रन हो गए थे, मतलब हमारी बॉलिंग थी, सामने वाली टीम के 150+ रन हो गए थे। वैसे तो हम वो मैच लॉस में गए थे, हम हार चुके थे, बाकी जब आपका भाई उतरा था लास्ट में, सिर्फ 1 ओवर बाकी थी, और उस ओवर में मैंने क्या किया बताए भाई, 1 ओवर में 30 रन दिए मैंने, मतलब 30 रन के लिए मुझे लास्ट में उतारा वहाँ पे, और मैं गया तो 1 ओवर में मैंने 30 रन दिए हमारे टीम को,
भाई इतना मतलब देखो स्टार्टिंग में गया सिक्स लगाया, चार छक्के लगातार चार छक्के मारे थे मैंने, और एक चौका था लास्ट बॉल में, मैंने दो रन निकाल लिए थे, ऐसे मेरे 30 रन हो चुके थे। बाकी आपका भाई का वहाँ पे सिलेक्शन भी हो चुका था नासिक में, तो लेकिन कुछ रीज़न के वजह से यार मेरी बस मिस हो चुकी थी और मैं नासिक में नहीं जा पाया यार। और वहाँ पे मैंने इतनी अच्छी फील्डिंग भी की थी, इस फील्डिंग में मैंने डाइव भी लगाई थी, और ये देखो यहाँ पे लग गया है मुझे, डाइव लगाई थी तो यहाँ पे भी लग गया है, चौका जाने वाला था और मैंने 4 रन बचाए थे, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नासिक का मैं ब्लॉग भी बनाने वाला था लेकिन मेरी बस मिस हो चुकी थी तो मैंने कुछ बनाया नहीं। इतना बुरा लगा था उस वक्त कि बस मिस हो गई, लेकिन कोई नहीं, अभी हम आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो यहाँ पे क्रिकेट एंजॉय करेंगे। आज ये गुड़ी पाड़वा तो इसी बहाने हम क्रिकेट खेलने आ गए, क्योंकि आज छुट्टी भी थी और सारे हमारे जो प्लेयर थे खेलने वाले उन लोगों को छुट्टी थी, अभी क्रिकेट एंजॉय करेंगे। और भाई हाँ, वहाँ पे बॉलिंग कुछ ऐसे छोटे बच्चों की जैसे नहीं थी, धीरे धीरे फास्ट बॉलिंग थी, तो फास्टर होते हो तो खेलते अभी। गाइस टॉच हो चुका है और टॉच हम जीते हैं और हमने सेलेक्ट की है बैटिंग। Six. तो गाइस अभी हमारी गेंद घूम चुकी है और बाकी प्लेयर वहाँ पे गेंद ढूंढ रहे हैं, और 4 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवर में हमारे रन से 26 4 ओवर हो चुके हैं। बाकी मेरे 1 बॉल में 6 रन है, एक छक्का लगाया जाते ही मैंने, और मुझे अभी स्ट्राइक ही नहीं मिल रहे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आगे। अभी चलते हैं बॉल ढूंढने के लिए। हम जब खेलने के लिए आते हैं तो हमारा आधा वक्त तो इसी में ही चला जाता है बॉल ढूंढने में, तो चलते हैं अभी बॉल ढूंढते और फिर खेलते हैं। चलो भाई फाइनली 5 मिनट के बाद बॉल मिल चुका है, तो चलते हैं अभी। तो इस क्रिकेट मैच में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, हमारे 4 ओवर हुई थी और बाकी के जो बाजू में गाँव है फागने, वहाँ से कुछ प्लेयर आए, वो कह रहे कि हमारे साथ मैच लगा ले, तो हम उनसे मैच लगा रहे और हमारी बैटिंग हो चुकी थी 4 ओवर के लिए। अभी अपोजिट टीम को भी बैटिंग देना चाहिए, तो 4 ओवर तक अभी हम उनको भी बैटिंग देंगे, फिर जो लोग आए हैं हमसे मैच लगाने वाले तो उनसे मैच लगाएंगे। तो गाइस फाइनली हम जीत चुके हैं हमारी टीम, एंड अभी जो बाहर के लोग आए थे वो खेल रहे हैं प्लास्टिक बॉल से, और हमारी टीम अलग है और उनकी टीम अलग है। अभी सीरियसली मैच होने वाली है, तो हम फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड खेल रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चेंज है कि बॉल प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक बॉल तो हम खेलते नहीं कभी, हम तो खेलते हैं सीधा रबरी बॉल जो कि 6-8। देखते हैं हमारी, अभी ज़्यादातर हम वीडियो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारी फील्डिंग आई है। तो गाइस अभी हमारी बैटिंग हो चुकी है और हमारी टीम वालों ने 8 ओवर में 48 रन दिए, तो देखते हैं हम कितने रन कर पाते हैं। बाकी अभी 2 बॉल में 2 छक्के लग चुके और वो हमने मिस कर दिए, अभी 2 बॉल 6 रन हो चुके 12 और है डॉट, 4 बॉल 12 रन और है फिर से 6। पांच बॉल 18 रन और है 4 रन जाते हुए, लगते 4 चले जाएंगे और 4 रन, एक और 22 रन।
चार रहा। सिक्स। तो गाइस फाइनली हम जीत चुके हैं, 3 ओवर में 48 रन हमने कर दिए। अभी हम जो पहली मैच थी वो हम जीत चुके हैं और अभी है सेकंड मैच चालू हो रही है। तो अब ज़्यादातर मैं अभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि फोकस भी करना होगा क्रिकेट में, क्रिकेट मैच में, मैच में। बाकी पीछे धुलाई बहुत अच्छी चल रही है। फाइनली हम जितने भी मैच हम उन लड़कों ने हमारे साथ लगाए थे वो फाइनली हम सब जीत चुके हैं, सब विन हो चुके हैं। और मतलब हमारी तो बैटिंग का मौका ही नहीं आया, हमें सारे जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे उन लोगों ने खेला है। बाकी भाई को तो नहीं लिया था टीम में। तो आपको स्टेडियम के बाहर बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। और ये हमारा पड़ोसी सही और मेरा भाई तो उन लोगों के साथ जा रहा है, हमारे प्लेयर उनके साथ। बाकी हम पीछे ब्लॉग बनाते बनाते आ रहे। तो आज गुड़ी पाड़वा था और आज हमने मस्त क्रिकेट खेला, कुछ आपको दिखा नहीं सके हम शॉट जो कि भाई कालू है, जो प्रशांत है उसने लगाए थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे शॉट, प्लास्टिक बॉल था, बेसिकली प्लास्टिक बॉल था वो। हमें तो इतना खासा मतलब हमारी आदत नहीं है प्लास्टिक बॉल से, हम कभी खेलते नहीं है, हम सिर्फ सिक्सर के बॉल से खेलते हैं। लेकिन भाई जो प्लास्टिक का बॉल होता है अगर वो बैट को टच हुआ सीधा छक्के के बाहर, बाउंड्री के बाहर चला जाता है भाई, स्टेडियम के बाहर, हमारा जो ग्राउंड है उसके बाहर। सो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं और भाई आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो मुझे फैन बंद करना पड़ता है क्योंकि नॉइज बहुत ही ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए मैं फैन सब बंद कर देता हूँ जो भी नॉइस वाली चीजें। तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है भाई कह नहीं सकता। और हाँ अभी मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। और आज मस्त हम कई दिनों के बाद क्रिकेट खेलने के लिए गए थे और आपको बताया था मैंने मेरा नासिक में सिलेक्शन हो चुका था क्रिकेट में, बट मेरी बस मिस हो गई थी, इतना बुरा लगा था उस वक्त, मतलब कह ही नहीं सकते यार, बहुत ही ज़्यादा। तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पे नए होंगे तो आपको बताइए सब्सक्राइब करना होता है और प्यारा सा कमेंट करके जाना आपको वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। एंड जाते जाते बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको हिंदवी नव वर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एंड जय श्री राम, टाटा।